वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिव ऑफ बाईपास हार्ट सर्जरीज। यानी आज की वीडियो में आप ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास के मुतबादल यानी इसके अलावा और कौन कौन से तरीके जो इस्तेमाल किए जाते हैं आज की वीडियो में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आप हर नई वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो रोजाना सबसे पहले देख सकेंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं कि अल्टरनेटिव जो है वो क्या हो सकते हैं हार्ट बाई बाईपास सर्जरी के। फर्स्ट मेथड जो यूज किया जाता है वो है बलून एंजियोप्लास्टिक। ये बाईपास सर्जरी का मुतबादल है, यानी इसका अल्टरनेटिव है, उसकी जगह ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक ट्यूब जो है वो बंद शरीर में लगाई जाती है, फिर इसमें मौजूद छोटे बलून से आर्टरी को खोला जाता है। इसके बाद डॉक्टर इस ट्यूब और बलून को जो है वो निकाल देता है। इसकी जगह मेटल दांत का एक स्टेंट रह जाता है। ये स्टेंट जो है वो आर्टरी को बंद होने से रोकता है। ये बलून एंजियोप्लास्टिक जो है वो बाईपास की तरह असर नहीं करती है, लेकिन ये बाईपास से कम खतरनाक है, यानी इस मेथड में रिस्की फैक्टर जो है वो कम है। नेक्स्ट मेथड जो इस्तेमाल किया जाता है वो है इनहेंस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, जो कि शॉर्ट फॉर्म है EECP। ये कुदरती बाईपास का काम करता है। इसमें दवाई का इस्तेमाल जो है वो करवाया जाता है बंद शरीरों को खोलने के लिए। इसके अलावा डाइट और लाइफ स्टाइल में तब्दीली के लिए कहा जाता है, यकीनन आपको खुद भी करना चाहिए। और ये तब्दीली जो है यकीनन आप मुतवाजन गजा खाने से कर सकते हैं, बाजारी खानों से खुद को दूर रखें और रोटी चावल दूध दही का मुनासिब मकदार में रोजाना की बेसिस पर इसका इस्तेमाल जरूर करें। और वर्जिश नहीं कर सकते हैं तो चहलकदमी जरूर करें और खुद को जितना एक्टिव रख सकते हैं खुद को एक्टिव रखें। हार्ट बाईपास के 4 अल्टरनेटिव्स, जिसमें पहला जो है बलून एंजियोप्लास्टी है, सेकंड है इनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन है, EECP है, थर्ड मेथड जो है वो मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करवाई जाती है बंद शरीरों के लिए, फोर्थ मेथड जो है वो डाइट और लाइफ स्टाइल में तब्दीली वगैरह करवा के या लाकर दिल के अमराज का जो है वो इलाज किया जाता है। बाईपास के टेस्ट वगैरह जो किए जाते हैं वो है ब्लड सैंपल्स वगैरह लिए जाते हैं, सीने के एक्सरे करवाए जाते हैं, चेस्ट एक्सरे करवाए जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एंजियोग्राम और ECG और EKG वगैरह जो है करवाए जाते हैं। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं, क्वेश्चन हैं, तो प्लीज उसको कॉमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो उसको भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।